Hey everyone, welcome back and स्वागत है सभी का फिर से एक और नए Clash of Clans के एपिसोड में। दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसा अटैक, एक ऐसा बंदा से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो कि भाई लेजेंडरी है, मतलब 200 IQ, 300 IQ, 1000 IQ कितना भी बोल लो कम है, क्योंकि भाई उसके अटैक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैं तो बिल्कुल ही चौंक गया था जब मैंने देखा कि भाई ये क्या है, मतलब कैसे कर रहा है। चलिए फटाफट शेयर करता हूँ आपको ये दो अटैक्स जो किया है ओपोनेंट के नंबर 5 प्लेयर ने। देख सकते हो हमारे नंबर 1 को एंड नंबर 2 को उसने ट्रिपल किया है। देखो इतनी बड़ी बात नहीं रही है अभी के टाइम पे कि चलो, बट ठीक है फिर भी नर्व्स वगैरह के बाद और सारे सुपर चार्ज आने के बाद इतना ईजी भी नहीं है 3 करना, पता है, बट इसने जो किया है मजाक उड़ाया है बेसिस को। चलिए फटाफट शेयर करता हूँ। और ये भी मत सोचना कि टेम्पररी ट्रूप्स जो आए हैं, सीजनल ट्रूप्स, नो, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इसने प्रॉपर जो आर्मी हमारी होती है उसी से अटैक किया है। चलिए फटाफट आपसे शेयर करता हूँ अटैक। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, कुछ भी अगर आप इन गेम परचेज करते हो, जैसे कि अभी बहुत सारे ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं, तो प्लीज एंड प्लीज अपने भाई को जरूर सपोर्ट दिखाओ बाय यूजिंग क्रिएटर कोड अड्डा। बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, तो डू सपोर्ट गाइज। और जो लोग चैनल के मेंबर अभी भी है, क्योंकि बीच में मैं लाइव नहीं कर पा रहा था, घर गया था, उनके बहुत बहुत शुक्रिया सभी का इस चुम्बे सपोर्ट के लिए। तो चलो फटाफट अटैक्स इंजॉय करते हैं एंड लेट्स गो। नंबर दोनों अटैक्स मैं आपको दिखाऊंगा, पहला अटैक अगर आप देखोगे, बट उससे पहले आप आर्मी देख लो। यहाँ पे ये बंदा क्वीन चार्ज लालो कर रहा होगा, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ठीक है क्वीन चार्ज लालो तो करते हैं ना जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, डेफिनेटली करते हैं, बट इसका जो स्टाइल है वो बिल्कुल ही यूनिक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। किंग पे यहाँ पे स्पाइकी बॉल और अर्थक्वेक बूट्स, इसके मैक्स नहीं है। वार्डन पे यहाँ पे यूज हो रहा है फायरबॉल विथ रेज जेम, वियर्ड है ऑब्वियसली, क्योंकि लालो के साथ कोई फायरबॉल नहीं खेलता, इतना कॉमन नहीं है ये। आरसी के साथ बात करें तो रॉकेट स्पीयर और शीकिंग शील्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एनएसओ के साथ क्वीन में आपको मिरर और हीलर पॉपेट जो है वो देखने को मिलेगा। लेट्स गो, आप ये अटैक देखो। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं ये अटैक देख रहा था बाद में, तो मेरे को बहुत ही ऑसम ये अटैक लगा, इसीलिए मैं तब से प्लान कर रहा था कि ये वीडियो आपसे जो है शेयर करूंगा। देखो सबसे पहले ये क्वीन के साथ एक क्वीन चार्ज शुरू जो है वो कर रहा है बॉटम साइड से। यहाँ पे ईगल जो है वो बहुत ही क्लोज है, एक्सपोज वगैरह जो है वो भी फ्री में मिल जाएंगे। देन ये इमीडिएट यहाँ पे लॉग लॉन्चर ड्रॉप करता है, एंड लॉग का ये रीज़न है कि वॉल्स भी ओपन होगा और कोर के जो डिफेंस है उनको भी थोड़ा डैमेज पड़ेगा। डेफिनेटली वो निकलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि वो उसको किल कर देगा, ऐसा नहीं होगा, बट थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे डिफेंस। यहाँ पे जैसे ये एक्सबो जाता है, क्वीन की पाथिंग थोड़ी गलत जा रही थी, तो यहाँ पे एक इनविज जो है वो यूज़ करके क्वीन को रीडायरेक्ट कर लेता है। और सीसी से मतलब सरप्राइजिंगली ड्रुइड्स निकलते हैं। अब ड्रुइड्स का पता नहीं क्या थॉट प्रोसेस था, क्योंकि ऑलरेडी हीलर्स के साथ जा रहे हैं, फिर ड्रुइड ड्रॉप होता है, बेयर्स जो है वो डेफिनेटली टैंक करेंगे, एंड देन ये वार्डन को भी पीछे ऐड कर देता है। पहले तो किंग ने स्पाइकी बॉल और अर्थ को एक बूट से फाइनल बना दिया था ताकि क्वीन जो है वो कोर में जाए। और अगर आप देखोगे इस पोजीशन में तो क्वीन और किंग एक साथ है। यहाँ पे सीकिंग शील्ड भी यूज़ कर ली तुरंत आरसी की, और आरसी जो है वो भी फ्लैंक के डिफेंस जो है वो निकाल रही है। और अगर आप देखोगे भाई बेस कहाँ है, बेस कहाँ है भाई, ख़त्म तो ऑलरेडी हो गया। अभी भी क्वीन की एबिलिटी पड़ी है, अभी भी वार्डन की एबिलिटी पड़ी है। वार्डन का जो ये फायरबॉल यूज़ करेगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो टाउन हॉल पे यूज़ कर रहा है, तो बैक एंड के जो मल्टी आर्चर टार से वो भी गायब। अब अगर इस पॉइंट में मैं इसको फ्रीज करूँ, तो मेरे को एक बात बताओ कि भाई लालो के लिए बचा क्या है इस बेस में। अगर आप आउटस्कर्ट में देखोगे एक दो पॉइंट डिफेंस बचे हैं, यहाँ पे हीरोज़ का एक कंपार्टमेंट है, हीरोज़ बोले तो क्वीन है और किंग है, वार्डन भी है, बट इसके पास अभी भी क्वीन एबिलिटी पड़ी है। 19 लून्स, एक हाउंड, मतलब यहाँ पे लून्स शायद डिप्लॉय करना शुरू नहीं किया अभी तक, बट फिर भी अगर आप देखोगे रिकॉल भी पड़ा हुआ है। भाई साहब क्या वही मैं बोलना चाह रहा था आपको कि भाई क्या ही खतरनाक प्लान है। और जैसे इसने फायरबॉल कर दिया, इसने अपनी क्वीन और वार्डन को रिकॉल करके फिर बाहर फ्लैंक में डाल दिया। मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब जैसे मैंने पहले कहा आपको अटैक किया कि भाई 1000 IQ अटैक था ये। तो यहाँ पे अब क्या है, अब देखो यहाँ पे क्वीन और वार्डन जो है वो बाहर घूमते घूमते टेस्ला फार्म जो है वो इजीली क्लियर करते करते आगे बढ़ेगा, और लालो के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है भाई, लालो के लिए कुछ बचा ही नहीं है। 19 लून्स, एक हाउंड, 8 मिनियंस क्लीन अप के लिए, अभी भी 2 फ्रीज, एक हेस्ट पड़ा हुआ है, और बेस में लिटरली कुछ नहीं बचा। यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी यूज़ कर ली गई ताकि अटैक जो है वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो। मेरे को जब ये अटैक देख रहा था, मेरे को लगा भाई टाइम वाइम फेल ना हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं था भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था, ईजिली इसने मैनेज किया। यहाँ पे फ्रीज कर दिया क्वीन को, हेड हंटर्स आ रहे हैं हीरोज़ को डाउन करने के लिए, अभी भी वार्डन और क्वीन स्ट्रॉन्ग जा रही है, और क्रश तो एक छोटा सा वर्ड हो जाएगा जो यूज़ कर सकता हूँ मैं इस अटैक के लिए। भाई
चकनाचूर नेस्तो नाबूद किया है भाई इस वाले टैग पे, इस बेस को। तो भाई खतरनाक था भाई, खतरनाक। हाँ, अब यही है कि वॉर में आप ऐसे अटैक्स करना थोड़ा सा इजी होता है कंपेरेटिव टू लेजेंड, क्योंकि आपको बेस पहले से पता होता है, आपकी प्लानिंग जो है वो प्रॉपर होती है। बट जैसे इसने एग्जीक्यूट किया है, मेरे को लगता है कि काफ़ी प्रैक्टिस ये करता है, तो आई थिंक लेजेंड में भी पता नहीं, शायद ये आर्मी खेल रहा होगा, आई डोंट नो। बट चलो मैं आपको फटाफट नेक्स्ट अटैक दिखाता हूँ। ओके, तो इस बार हम आ चुके हैं अपने सेकेंड बेस पे, और ये बेस जो है वो आप देख सकते हो ऐसा कुछ है, इसकी प्लानिंग बिल्कुल ही सेम है, बट एग्जीक्यूशन देखना जस्ट, ठीक है। तो इस बारी जो, और अगर टाइमर पे देखोगे तो 2.5 मिनट पे ये अटैक फिनिश कर रहा है, इसका मतलब ऐसा भी नहीं है, देख के लग रहा होगा जैसे मैंने बताया कि बहुत ही क्लोज जाएगा, टाइम का इशू हो सकता है, बट ऐसा नहीं है, 2.5 मिनट के अंडर ये अटैक फिनिश कर रहा है भाई। इस बार इसने वार्डन से शुरू किया, लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे उसने क्वीन वॉक से शुरू की थी, क्वीन चार्ज से, बट यहाँ पे बंदा जो है वो वार्डन के साथ शुरू कर रहा है। रीज़न, किंग जो है वो फ्री में मिलेगा और डिफेंस जो है वो भी रेंज से बाहर है, तो वो भी एक फ़ायदा है। तो यहाँ पे इसने हीलर जो है वो ड्रॉप कर दिए, एंड फाइनली किंग जो है वो टेक डाउन हो चुका है। अपना उसने एक हेड हंटर यूज़ किया था जिसने सीसी जो है पार्शियल लूट, 2 आर्चर्स निकले हैं बस, और अभी भी अगर आप देखोगे वार्डन बिल्कुल सेफ है, कोई भी डिफेंस टारगेट नहीं कर रहा वार्डन को, और वार्डन ने ईगल भी निकाल लिया, दैट्स गुड, राइट, अच्छी वैल्यू है। फीन ड्रॉप करता तो शायद बाकी डिफेंस पे टारगेट हो जाते, बट यहाँ पे वार्डन के साथ इसने बिंदास ये निकाल रहा है चीज़ें। अब यहाँ पे इनविज करके ये फायरबॉल कर रहा है, एंड क्वेक्स के साथ आप देख सकते हो इसने निकाल लिया वो वाला पूरा कंपार्टमेंट। इसी ये रीज़न था इस बार पहले वार्डन यूज़ करने का, और इस बार जो है हीलर जो है वो भी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, राइट, हीलर जो है इस बार ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और अब डबल चार्ज जो है वो शुरू हो चुका है। डबल चार्ज तो नहीं बोलूँगा क्योंकि एक ही जगह में दोनों हीरोज़ ड्रॉप हुए हैं। अब क्वीन जो है वो बेस को जो है आप देख सकते हो जैसे वॉल ब्रेकर्स के मदद से कोर में पुश करेगी, और किंग जो है इसने साइड में ड्रॉप किया ताकि फ्लैंक में जो है वो डिफेंस उसको क्लियर करने को मिले, ताकि क्वीन टाउन हॉल को टारगेट करे और कोर के जो डिफेंस है उसको टारगेट करे। लास्ट टाइम टाउन हॉल को फायरबॉल किया गया था क्योंकि वहाँ पे वैल्यू अच्छी थी, फनल अच्छा बन गया था पहले ही, बट इस केस में थोड़ा चीज़ जो है वो डिफरेंट हुआ है, और इतने हीलर्स की वजह से अगर कितने भी ट्रैप्स लगे हीलर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हीलर्स का काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्वीन जो है वो अब एबिलिटी शायद उसकी जाने वाली है, बट फ्रीज कर दिया, ओके, मोनल को फ्रीज़ कर दिया। आरसी की एबिलिटी रॉकेट स्पीयर अगर आपके पास है तो आप अर्ली यूज़ करना ही प्रिफर करोगे, और वही किया गया यहाँ पे। अभी भी क्वीन की एबिलिटी पे होल्ड रखा गया है, और अगर आप देखोगे तो आरसी जो है उसने भी अपने सारे रॉकेट्स जो है वो फेंक दिए हैं, और इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो सेम सीन बन गया है भाई लास्ट पैक जैसा। भाई लालो किस पे करना है, लालो करने के लिए बचा क्या इस बेस पे? अगर आप देखोगे तो बॉटम में कुछ टेस्लाज, एक विजर्ड टार और वार्डन स्टैचू है, टॉप साइड पे एक स्कैटर और मल्टी वगैरह है, बट ये भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि अभी भी हीरो एबिलिटीज़ पड़ी हैं, हीरो एबिलिटीज़ नहीं मतलब अभी भी क्वीन की एबिलिटी पड़ी है, और यहाँ पे एक फ्रीज़ है, यूज़ कर सकते थे यहाँ पे इन्फर्नो एंड एक्सबो पे, बट प्लान है कि नहीं करना है। ओके, फाइनली कर रहा है, और इसी के साथ बेस पूरा गायब है भाई। अब लालो के लिए कुछ नहीं बचा है, लिटरली कुछ नहीं बचा है, मतलब अगर टाइम होता तो लालो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, राइट। तो मेरे को गजब लगा ये अटैक्स इसके, इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया कि भाई ऐसे यूनिक अटैक्स हमें भी ट्राई करने चाहिए। अभी तो वैसे ट्रेडिशनल अटैक्स करते करते ऐसा हो गया कि भाई वही कर रहे हैं, सेफ साइड में रहो, बट ऐसे अटैक्स जब देखते हैं ना तो मज़ा काफ़ी आता है। आप लोगों ने कैसा इन्जॉय किया ये अटैक्स को मेरे को ज़रूर बताएं इन कमेंट्स, और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा, एंड एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद, बाय।